राखी चली दुबई। हाँ मैं जा रही हूँ दुबई। इंटरनेशनल हाँ आजकल इंटरनेशनल। हाँ दुबई, ये मेरी पायलट है। अरे रुको, प्लेन उड़ा रही है, जा रही है। अमेजिंग अमेजिंग। बस 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 चलो ना, चलो चलो चलो, अभी अभी हालत हालत नहीं है। चलो राखी रुको। अरे रुको, आदिल भाई का क्या हाल चाल? आदिल तो दुबई में है, मिलने जा रहे हैं। आज पता नहीं बस आज पहन लिया, इसलिए नज़र लग गई है। हाँ बेब, राखी की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं छोड़ने आई हूँ। बस घर में जाना, घर में सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अंदर कुछ अलाउड नहीं करेंगे तो बस में आ जाए। अच्छा तो मैं ऐसा लगा कि 10 खंभे पिए हूँ। राखी जी, शर्लिन चोपड़ा ने कंप्लेंट फाइल की है साजिद के खिलाफ जू पुलिस स्टेशन में कि उनके ऊपर कार्रवाई हो, बिग बॉस के घर से निकाला जाए उन्हें लगातार। क्या कहना चाहोगे आप? मुझे नहीं पता है कि वो उसमें कंप्लेंट 4 साल के बाद साजिद का वेट कर रही थी वो बिग बॉस में जाने का। साजिद सुपरस्टार हो जाए, व्हाई शी इज डूइंग लाइक दिस? कभी किसी का पति राज कुंद्रा, कभी साजिद। अरे मैं कहती हूँ आपके पास प्रूफ है तो आप प्रूफ दो ना। शर्लिन चोपड़ा अभी कंप्लेन कर रही है, मतलब आप कुछ ना कुछ कहना चाहती है, मतलब बोलकर खुलकर हीटू के लिए तो आवाज उठानी चाहिए, बट मैं चाहती हूँ कि हीटू के लिए आवाज उठे। औरत होके एक भी आदमी बाहर आके कंप्लेंट नहीं लिखाता है कि मेरे साथ शोषण होगा। अक्षय कुमार ने दिखाया था ना, उन्हें लगता है कि हिंदुस्तान में ऐसा होता ही नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग आत्महत्या कर लेते हैं, यू नो, कर लेते हैं। क्या पता कोई साजिद खान का नाम गलत तरीके से यूज़ कर रहा हो, क्या पता कोई और भी लोगों का नाम यूज़ कर रहा हो। साजिद खान का तो आप कह रहे हैं जैसे कि बिग बॉस में, लेकिन बिग बॉस कितना देख पा रही है इन दिनों? आप कुछ देख पा रही है, किसको सपोर्ट कर रही है, आप कुछ बताना चाहिए? ये बहुत अच्छा लग रहा है कि अब्दुल को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा अंदर, वो अपना मज़े ले रहा है, सब लड़ मर रहे हैं। और क्या कहते हैं उसे, अब्दुल सिंबुल, नहीं नहीं शालीन शिव, अरे नहीं तो मैं ये कह रही हूँ कि एक सेकेंड मैं बताती हूँ। मतलब अंदर घर में झगड़े हो रहे हैं, सब अच्छा चल रहा है, अगर मैं गई बिग बॉस हाउस में। आप दोनों कब जा रहे हैं, आदिल और आप? मुझे नहीं पता हम कब जा रहे हैं, लेकिन लोग फेक स्टोरी बना रहे हैं। सिंबुल की फेक स्टोरी चल रही है शालिन के साथ, टीना की, क्या कहना चाहोगे इसको लेकर? अरे नहीं, अंदर प्यार हो जाता है भाई, कोई फेक स्टोरी नहीं होती है। एक थाली में खाते हो, एक थाली में बैठते हो, तो क्या पता शालिन को शायद टीना से प्यार हो गया होगा और यहाँ पर लव ट्रायंगल चल रहा है। प्यार हो जाता है भाई, मुझे भी हुआ था, तो आप हमारी फेक स्टोरी थोड़ी ना बोलो। आपको कब हुआ था? वो तुमने नहीं देखा? नहीं, वो तो ऑलरेडी बाहर था ना आपका। चलो अभी मैं जा रही हूँ। ओके, एक आखिरी सवाल, सलमान खान के बारे में गलत गलत बोला है, सलमान सर के बारे में गलत बोला है बाबा रामदेव जी ने कि वो कहते कि वो ड्रग्स लेते हैं, ऐसा उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। कौन? बाबा रामदेव जी ने। आपको लगता है ऐसा स्टेटमेंट लेना चाहिए? क्या हो गया बाबा रामदेव जी, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? योगी करते करते भोगी कैसे हो गए आप? नहीं नहीं, आप सलमान खान के बारे में देखिए, आप नहीं बोल सकते। आप मेरे अच्छे मित्र हैं, आप योगा करें,
पेट अंदर बाहर करे और सलमान के खिलाफ तो एक शब्द ना बोले। आई रियली डोंट लाइक कि सलमान, जब सलमान किसी को नहीं छेड़ता तो आप कैसे बोल सकते कि वो ड्रग एडिक्ट, गलत है ना। लेकिन सलमान सर तुम्हारी भी बैठे से फड़कती है, हम क्या सोचे बाबा रामदेव, हम क्या सोचे तो हम क्या सोचे, आप रामदेव हो के हाँ वही रामदेव हो, हमें क्या पता। सलमान के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, पूरा देश आपको बहुत रिस्पेक्ट करता है, आप अच्छा योगा कराते हैं, सलमान के खिलाफ आप मत बोलिए। थैंक यू सो मच, यही चलने वाले। ये कैसे जाना है, बहुत भीड़ है भाई, यहाँ से जाना, इधर से गेट, यहाँ से गेट है। हाँ चलो, हाँ नहीं वाइन मेरी फ्रेंड है, मेरा वीजा लग गया दुबई का पहली बार। हाँ पहली बार थैंक यू बाबा रामदेव जी। मैम यहाँ से वो देखो कृष्णा देखो बढ़िया वाला बाबा रामदेव। आप राखी से पंगे मत लो, मेरे सलमान भाई को कुछ बोला, रुको रुको रुको, फिर से एक बार क्या बाबा रामदेव, मेरे सलमान भाई को कुछ मत बोलो, तुम्हारी तो एक आंख फड़कती है ना, अगर मेरी तीसरी आंख खुल जाए, खुल गई तो पता नहीं क्या क्या खुलेगा। सो बाबा जी हम आपकी इज्जत करते हैं, आप योगी बनिए है ना, किसी पर टिप्पणी मत। बाय बाय।